गाइस वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सभी? आई होप कि आप सब लोग ठीक हो और हमारे डेली ब्लॉग को एंजॉय कर रहे हो। तो आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर। नया साल शुरू हो चुका है 2024। सो जो भी मेरी संगत मेरे को देख रही उन सभी को हैप्पी न्यू ईयर। गुरु जी आपको ब्लेस करें। आज है 1 तारीख और आज है सत्संग। तो आज 1 तारीख से स्टार्ट अपना फिर से सत्संग हो चुका है। अब जा रही हूँ मैं सत्संग के लिए। तो चलो गए चलते। अब बज चुके दोपहर के 3:30 बजे मैं जा रही हूँ सत्संग के लिए। तो आज मुझे एक आंटी के घर पर जाना है सत्संग के लिए। तो चलो अभी चलते, दिखाती हूँ वीडियो में आगे। तो जितने भी मेरी संगत है आप पूरा वीडियो देख लीजिए। आपको गुरु जी का चोला दिखाएंगे, गुरु जी की स्वागत की तैयारी दिखाएंगे, जो भी आज के ब्लॉग में होगा आपको देखने के लिए मिलेगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी ने मुझे आज सत्संग के लिए इनवाइट किया है और अभी मैं जा रही हूँ सत्संग के लिए। तो चलो चलते, दिखाते वीडियो में आगे। एंजॉय दिस वीडियो। संगत जी, यहाँ पे मैं पहुँच चुकी हूँ और गुरु जी के स्वागत की तैयारी हो चुकी है, वेलकमिंग की तैयारी हो चुकी है। यहाँ पे देखो काफ़ी सुंदर फूलों से सजाया हुआ है, काफ़ी सुंदर लग रहा है। देखो बहुत सुंदर ही लग रहा है। तो ये उनके डोर के बाहर किया था संगत जी, और अंदर अभी एंट्री करते हैं। मैं दिखाती हूँ गुरु जी की स्वागत की तैयारी यहाँ पर भी कैसे की है। तो ये पूनम आंटी का घर है, पूनम आंटी के घर पे हम आ चुके हैं और यहाँ पे देखो गुरुजी की गद्दी भी लग चुकी है। काफ़ी सुंदर कलर कॉम्बिनेशन था, बहुत अच्छा लग रहा था। अभी संगत जी कुछ टाइम पहले ही मैं यहाँ पहुँच चुकी थी, तो मैंने कहा चलो आपको पहले दर्शन करा दूँ गुरुजी के। तो यहाँ पे इनका काफ़ी सुंदर मंदिर है, वो भी मैं आपको दिखाने वाली हूँ। वहाँ पर भी गुरुजी की गद्दी लगी हुई है। तो ये सत्संग के लिए तैयारी है, संगत आने वाली है तो संगत की भी तैयारी पूरी चल रही है। यहाँ पे न्यू ईयर है आज, हैप्पी न्यू ईयर सबको, और गुरुजी सबको ब्लेस करें। और न्यू ईयर स्पेशल यहाँ डेकोरेशन भी किया है, तो बहुत सुंदर लग रहा था। बहुत अच्छा से यहाँ गुरुजी के स्वागत की तैयारी की थी, फूलों से काफ़ी सुंदर सजाया था। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जो भी आंटी है उन्होंने हमें इन्वाइट किया और हम उनके इन्वाइट पर चले गए थे घर पर। तो देख लीजिए और आपको बहुत अच्छा लगने वाला है। तो यहाँ पे अभी गुरुजी की पालकी निकाली जाएगी, तो चलो अभी चलते हैं, दिखा दे कैसे निकलती गुरुजी की पालकी। I'm not afraid।
आकाश गाना बजाओ। संगत जी, गुरु जी की पालकी निकल रही है और हम लोग जा रहे हैं पालकी के लिए। तो यहाँ पे गुरु जी को विराजमान किया है और अभी गुरु जी भी चल रहे हैं गाड़ी में बैठ के, तो आपको पता लगने वाला है। चलिए देखिए वीडियो में। करांगे आवन के गुरु जी असा बैठ करांगे, बट नजर नहीं। आगे चलिए, अभी दौड़ के फिर आती है। करो ना डांस, करो, जाओ 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 जाओ।
गुरु जी की पालकी आ रही थी, जैसे आप देख सकते हैं संगत जी आज गुरु जी की पालकी न्यू ईयर स्पेशल की निकल चुके हैं। गुरु जी की बहुत सारी संगत है यहाँ पे।
गो गो सारा कोलेस्ट्रॉल आज ही नहीं होगा। टाइम कम है जल्दी रोशन कर लो चोलियां सर्दी पर लोग ऐसा गुरु मिलना
गुरु महाराज विराजमान ने मंदिर में इस समिति माते ना करिए सेवादार भी इशारों में माते करें जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी का अनंतम शुक्राना। नए साल के सत्संग की गर्मा पक्ष और बहुत शुक्राना गुरु महाराज का। आगन अवसर पे गुरु महाराज ने सत्संग बख्शा, सभी संगत को यहाँ बुलाया और सभी को अलग अलग तरीके से गुरु महाराज बहुत संगत को गुरु महाराज के फिर दर्शन हुए हैं। इस नदी के कृष्ण दर्शन, गुरु महाराज के ब्रह्मा स्वरूप के दर्शन और डबल सिंह के दर्शन हुए हैं। जो गद्दी लगी है गुरु महाराज की उस पर भी संगत को दर्शन हुआ, गुरु महाराज के पेज के दर्शन हुए हैं गुरु महाराज का। और कल का मेरे लिए अनएक्सपेक्टेड सा था और कल मैं बिल्कुल कुछ प्लान नहीं था। वैसे आप सब जानते हैं जब गुरु जी का बुलावा होता है तभी हम सत्संग भी जा पाते हैं और यहाँ बड़े मंदिर बुलाते हैं। तो ऐसा ही कुछ मेरे साथ हुआ कल। कल कोई प्लान नहीं था 31 पे बड़े मंदिर जाने का और रैंडमली गुरु जी ने दोपहर के वक्त कॉल डाला कि बड़े मंदिर आना है। फिर जैसे ही गुरु जी ने कॉल डाला कि बड़े मंदिर आना है और उस वक्त मेरे साथ बस माइंड में आया और नेहा आंटी का कॉल आया मेरे पास। नेहा आंटी ने बोला एक अंदर रखा देते दोनों से। नेहा आंटी ने बोला बड़े मंदिर चलेगा, मैंने कहा तो मैं हाथ में पकड़ तो मेरा है। बाकी हम लोग पता कर रहे थे कैब ड्राइवर्स वगैरह का क्योंकि काफी अवेलेबिलिटी नहीं थी क्योंकि न्यू ईयर था तो सारे कैब ड्राइवर भी छुट्टी में रहते हैं। फाइनली एक ड्राइवर अवेलेबल हुआ और गुरु जी ने बड़े मंदिर बुलाया। एक बार गुरु ने दर्शन करवाए अपने दरबार के, दूसरी बार गुरु महाराज ने दर्शन करवाए। पहली बार जब मैं गया था मेरे मन में ये था कि गुरु महाराज ने बिठाया नहीं दरबार में। सेकंड टाइम जब मैं गया गुरु जी ने मेरी ये बात सुनी और जस्ट जैसे आप लोग निकलते हैं मतलब सीढ़ियों से उतरते हैं जो दान पेटी है वहाँ पे, दान पेटी से जब आगे जाके आप वहाँ पे रुकते हैं वहाँ पे चाय प्रसाद मिलता है तो समाओ एक सेवादार अंकल ने कहा कि आप वहाँ जाके चाय पीजिए। तो वहाँ गुरु जी ने पीछे करीबन आधा घंटा बिठाया रखा तो गुरु महाराज ने ऐसे मेरी सबसे पहले सुनी। और फिर उसके बाद एक और बार गुरु जी ने 12 बजने से पहले 4 मिनट पहले गुरु जी ने दरबार में फिर से एक बार दर्शन के लिए भिजवाया। तो सबसे पहले जब दर्शन हुए थे तो मेरे मन में था कि गुरु जी बिठाया नहीं, मैं भी बैठा था। तो गुरु जी ने फर्स्ट टाइम सुना और 12 बजे के बाद फिर गुरु जी ने मतलब दर्शन करवाए। और जब दर्शन करवाए तो अंदर लंगर हॉल में बहुत ही कम मतलब VIP सेवादार जो वहाँ पर सेवा करते हैं उन्हीं की जो संगत फैमिली थी वही सब कर पाती है लंगर प्रसाद। तो फाइनली मेरे को गुरु जी ने वहाँ बैठा के लंगर प्रसाद करवाया। मतलब इतना ब्लेस रहा ओवरऑल, खूब सारे गुरु महाराज के दर्शन किए अपने, शिव जी के दर्शन हो गए थे, कृष्ण के दर्शन हो गए थे और खूब प्रेगनेंस आ रही थी ऑल ओवर। इतना डिवाइन और अदा कर गया कि आप सोच भी नहीं सकते निकल गया हो। अलग अलग गाना गुरु जी का और सब कुछ हरदी गला विच रखे। जय जय गुरु जी। अब गुरु महाराज का न्यू ईयर केक कटिंग होगा और सभी बच्चे और जिनको भी बर्थडे मनाना है सब संगत यहाँ पे आके गुरु महाराज का केक कटिंग करें। आज न्यू ईयर का दिन है और गुरु महाराज अपने स्पेशल ओकेशन पे करते हैं तो आप सबको भी मौज में गुरु महाराज ने अपनी ब्लेसिंग्स दी है, शुक्राना भी करना है और मौज भी करनी है। तो सत्संगत हो जाइए गुरु जी के लिए। आंटी आपका भी बर्थडे है ना, जल्दी आइए। किसका बर्थडे आज? प्रियंका का। अरे वाह, जिन संगत का बर्थडे इस मंथ आना है वो संगत यहाँ के केक कटिंग कर सकती है और सभी बच्चे यहाँ पे आ जाएंगे। जय गुरु जी।
अरे वाह प्रियंका हैप्पी बर्थडे। आज नहीं आती इस मंथ में है ना कार्ड इस मंथ में है
जी जय शिव
हाथ पे सहारिया तेरे हाथ विच बोर है सारिया दी तू करदा तो गुरुजी हमारे ना बिन बोले सब कुछ जानते हैं, ठीक है। मेरा सत्संग जैसे यहाँ पे बहुत सारी संगत ने ऑलरेडी सुना हुआ है, बट मैं आज उसी को रिलेट करके गुरुजी की कृपा कैसी रही वो बताऊंगी। 2017 में जैसे पता है संगत को, मेरे अंकल मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई थी कैंसर से, और वो जो सिचुएशन थी ना बहुत टफ थी मेरे लिए। मतलब वो पेन, वो स्ट्रगल्स, मतलब उसके लिए वर्ड्स ही नहीं है, वो पेन पेन होता है, दर्द दर्द होता है, वो नहीं बताया जा सकता। 2017-18 निकला, गुरुजी ने सिखाया स्ट्रॉन्ग बन, सरवाइव कर, और उस टाइम एक बेटी को ना इमोशनल और फाइनेंशियली सपोर्ट चाहिए होती है, कोई भी ऐसी सिचुएशन में होता है। मेरे पास ना इमोशनली सपोर्ट, ना फाइनेंशियली सपोर्ट, ना कोई अटेंशन, ना कोई बेटी कहने वाला, क्योंकि मेरे पेरेंट्स भी नहीं थे, उनकी भी डेथ हो चुकी थी। अब वो सिचुएशन में एक बेटी जो खुद दो बच्चों की मम्मी है, ठीक है, उसके ऊपर फाइनेंशियली रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, लाइबिलिटीज है, और सपोर्ट कोई भी नहीं है, दुनिया की तरफ से कोई नहीं है, गुरुजी की तरफ से तो बहुत है। तो गुरुजी का हमने दूसरा शब्द सुना आज सत्संग में, मंगो नहीं मानो मनो, ठीक है। तो मैं उस सिचुएशन में ना, जब वो मेरा पेन था, ठीक है, उस तरह उस टाइम में मेरा प्रॉब्लम, मेरी तकलीफ, मेरी फाइनेंशियली क्राइसिस ऐसे थे, हम लोग बच्चों को लेके मैं सोचती थी हम कैफे या कहीं मॉल में भी जाए ना जाए, ठीक है, और तो कुछ दूर की बात है, या बच्चों को एजुकेशन के लिए, स्कूल कॉलेज के लिए मैं इनकी फीस कहाँ से दूँ, वो प्रॉब्लम थी। लेकिन गुरु जी ने वही सिखाया, मनो मंगो नहीं। उस टाइम तो मैं बहुत छोटा छोटा सोचती थी, गुरु जी मैं यहाँ तक जाऊंगी, वहां तक जाऊंगी,
अब मैं आपको गुरु जी की कृपा बता रही हूँ, जो अचीवमेंट मुझे मिली। संगत जी शांत हो जाइए प्लीज, सत्संग सुनिए, क्योंकि हर सत्संग में आपके सवालों का जवाब होता है। ठीक है, तो 2020 की बात कर रही हूँ। 2-3 साल लग गए स्ट्रगल करने में, लेकिन गुरु जी ने संभाले रखा, स्ट्रॉन्ग बनाए रखा, इस बेटी को अपनी बेटी माना और इतनी पावर दी, स्ट्रॉन्ग बना दिया। 2020 में जो भी था हमारा जर्नी रही, मेरे हस्बैंड के साथ जो भी हमारी बातचीत होती थी, मेरी बेटी का हम 16 बर्थडे करेंगे, 18 बर्थडे करेंगे, बेटी को बाहर भेजेंगे, वो सारे ड्रीम्स गुरुजी ने मेरे फुलफिल करवाए। ठीक है, 18 में मैंने स्वीट 16 का, 2018 में मैंने डॉटर का स्वीट 16 किया, देन 2020 में उनकी दूसरी विश थी, मेरी डॉटर 18 की हुई थी, तो मैंने 18th बर्थडे किया फुल पार्टी, जो कि गुरुजी की कृपा से रही। उसके बाद 2021 में संगत जी प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, सत्संग सुने प्लीज, आपके सवालों के जवाब हैं, ब्लेसिंग्स हैं। तो 2021 में जो मैंने आपको बताया, वो 2-3 साल का पेन ऐसे रहा, मुझे कहीं जाने में भी, मतलब मॉल तक जाने में भी सोचना पड़ता था। गुरु जी ने 2021 से मेरे को इंटरनेशनल ट्रिप करवाई हुई है, 2021, 2022, 2023 मतलब कंटिन्यूस चल रही है। तो यहाँ क्या उनकी कृपा ऐसी है, बाहर तक, मतलब 2021 में मैं दुबई लेके गई बच्चों को, दोनों बच्चों को, जो कि एक इंटरनेशनल ट्रिप मेरे बच्चों के लिए फर्स्ट टाइम था, और वो जो मुझे प्राउड फील हुआ ना वहाँ पे जाके, और जो खुशी मिली, मतलब उस फेज से हम यहाँ तक पहुँचे, वो उसका अलग मजा है। मतलब अगर मैं बोला पेन सोचती हूँ ना संजय जी, मैं खुद कभी कभी ना हंस पड़ती हूँ, वो वाला सोच के टाइम मैं जब रोती थी और गुरु जी का स्वरूप के साथ उन्हीं से बात करती थी और उन्हीं के सामने अपना पेन तकलीफ बताती थी, क्योंकि मेरे पेरेंट्स, मेरा दोस्त सब कुछ गुरु जी, और वो आज मुझे याद आता ना तो मैं हंसती हूँ, मतलब ऐसे स्माइल गुरु जी का ना फेस सामने आता है, कहते हैं हूं दस, मतलब इस तरीके से मुझे वाइब्स आती हैं, ऐसा फील करवाते हैं हमारे गुरु जी। तो कहते हैं ना, मंगो नहीं, मतलब मानो मांगो नहीं। तो मैं उस समय छोटी छोटी चीजें सोचती थी, लेकिन गुरुजी ने इतनी कृपा करी, इंटरनेशनल ट्रिप हमारे रहे। 2022 में मेरा बेटा बाहर गया अब्रॉड, ठीक है, तो वो भी गुरुजी की कृपा से इतना उन्होंने ब्लेस किया, इतना संभाला, वो मेरे लिए रहा काफी 2022 भी। उसके बाद 2022 में मैं अगेन हमारा इंटरनेशनल ट्रिप रहा, मैं और मेरी डॉटर गए, और वहाँ मुझे दुबई से इंटरनेशनल अवार्ड मिला, बिजनेस वुमन इंटरनेशनल अवार्ड मिला। ये मैं आपको ना शॉर्टकट में बता रही हूँ, क्योंकि क्या सिचुएशन थी, जिसका कोई भी नहीं है, ठीक है, जिसको दुनिया साथ नहीं देती, लेकिन गुरु जी हमेशा साथ देते हैं हमारा, उन्हें वो संभाले रखते हैं, हर सवालों के जवाब उनके पास है। हो सकता है उस सिचुएशन में बहुत छोटा छोटा मानती मैं यहाँ चली जाऊँ, वहाँ चली जाऊँ, इतना हो जाए मेरे बच्चे यहीं पढ़ जाए इस कॉलेज में, और पता नहीं कहाँ अब्रॉड भेज दिया उन्होंने। तो कहते हैं बस सरेंडर करो और उन पे छोड़ दो, उन्होंने हमारे लिए सब अच्छा प्लान किया हुआ है। 2022 में हम लोग दोबारा गए ट्रिप रही, शुक्राना गुरु जी, मेरा बेटा बाहर गया अब्रॉड, शुक्राना गुरु जी। और उसके बाद 2023 में हम लोग फिर एक इंटरनेशनल ट्रिप होके आए। 2023 में ही मेरा जर्नलिस्ट ने एक इंटरव्यू लिया, जो कि मेरी लाइफ की स्टोरी पब्लिश हुई मैगजीन में, इंफालॉग मैगजीन में। और ये मैं आपको सब लोग शॉर्टकट बता रही हूँ, कहाँ गुरु जी ने पेन दिया और कहाँ उस पेन को हिस्ट्री बना दिया, ठीक है, इस तरीके से गुरु जी संभालते हैं। तो 23 में ये अचीवमेंट रही, कुछ है मोटिवेशनल आरजे हैं, उन्होंने इंटरव्यू लिया फेसबुक पे मेरा लाइव, उनके लिए मतलब इंट्रोड्यूस कराया भी लोगों से, ऐसे भी लोग होते हैं जो गिव अप नहीं करते, लेकिन ये गिव अप मैं कह रही हूँ, पता नहीं मैं तो क्या करती क्या सोचती, लेकिन गुरु जी को माना हुआ था, उनको सरेंडर कर रखा था, तो गुरु जी अपने आप ही चीजें संभालते रहे। और अभी 2023 में ही मेरी इतनी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हुई, जो कि लास्ट 6 ईयर से मुझे परेशान कर रही थी, क्योंकि कहते हैं ना एक बेटे की जब शादी होती है ना तो उसका ना मायका ससुराल क्वेश्चन मार्क रहता, तो मैं उसी सिचुएशन में थी, मेरा घर कौन था, क्योंकि मेरे पेरेंट्स ही नहीं है, तो मायका भी क्वेश्चन मार्क और ससुराल से थोड़ा चीजें आ जाते हैं इशू, तो डायबिटीज की बात होती है तो। लेकिन गुरुजी ने इस ऐसी पावर दी, ऐसा स्ट्रॉन्ग बनाया, ऐसे चमत्कार किए, पता नहीं कहाँ से क्या चीजें सॉल्व हो गई, जो चीजें इतनी इजीली कोई कर ही नहीं सकता था। मेरा अपना कोई प्रॉपर्टी का इशू था,
और वो प्रॉपर्टी चली गई थी नीलाम होने एनपीए में, और कुछ कुछ बैंक भी थे उसमें जो कि डिफॉल्टर हो चुके थे जिस बैंक से लोन था। तो जब मुझे पता लगा भी 2023 में ही लास्ट ईयर भी मेरा फ्लैट भी जा रहा है, तब मैं गुरुजी के सामने फिर बहुत ज्यादा गुरुजी जय गुरु जय शंकर, फिर गुरुजी हमारे गुरुजी हैं। मैंने कहा गुरुजी इतने साल हो गए, मैं जितने एफर्ट्स कर सकती थी मैंने किए, लेकिन मैं ना एक अपने सत्संग में ये बात जरूर बोलूंगी, आप ना अपना बेस्ट दो, क्योंकि गुरुजी भी ना आपका टेस्ट लेते हैं, आप वो स्टेटस वो चीजें डिजर्व करते हो भी कि नहीं, तभी गुरुजी देते हैं। पहले गुरुजी आपका टेस्ट लेते हैं, जब वो देने पे आते हैं तो बहुत देते हैं, इसे गिव अप मत करो, गुरुजी को हमेशा हमेशा मानते रहो, वो जो जा रहे हैं अच्छा जा रहे हैं। मेरे को भी कुछ सवालों के जवाब मेरे कुछ टाइम बाद मिले, अभी लास्ट ईयर जब मैं इस सिचुएशन में आ गई मेरे पास कुछ नहीं, और एक जो सामने मेरे अगेंस्ट अपोजिट में थे जिनके लिए मुझे फाइट करनी पड़ी, वो डेवलपर्स बहुत बड़े जिनसे हम लोग, आपको पता है मैं एक आम सी लेडी तो मैं क्या कर सकती थी, लेकिन कुछ गुरु जी ने ऐसे पेपर वर्क करे, कुछ पेपर मेरे हाथ में आ गए, और ये सब मुझे नहीं पता था, 6 साल बाद मुझे स्टोरी पता लगी, और वो पावर मेरे हाथ में दे दी जो कि बिल्कुल नामुमकिन थी, ये एक चमत्कार ही हुआ मेरे लिए। उसके बाद वो डेवलपर भाई, आप हमको टाइम दे दो मैडम, आप हमारी सुन लो, कल का तो मेरी सुन ही नहीं रहे थे, मुझसे बात भी नहीं करते थे, ना कॉल पर ना मीटिंग, बस उनको एक अपना फ्लैट से मतलब था भी हम ले, क्योंकि पता है ठीक है लेडी वीक है कोई है नहीं, लेकिन उनको अभी पता चल गया गुरु जी है, गुरु जी ने संभाला हुआ है। तो कुछ चीजें ऐसी हुई, गुरु जी ने इस तरीके से संभाली, मैंने बोला और उन्होंने सुना चुप करके, और उन्होंने बोला आप बोलो मैडम क्या चाहते हो, मैंने कहा मुझे 6 सालों का कंपनसेशन किया जाए, कंपनसेशन दिया जाए मुझे इसका, ठीक है, और जो चीजें प्रॉब्लम्स मेरी रही हैं उसको भी किया जाए सॉल्व, वो हाँ में हाँ हर चीज में हाँ में हाँ, जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी। और इस फाइट में बीच में हमारा कहते हैं गवर्नमेंट भी थी, प्रशासन भी था, डेवलपर्स भी थे, बहुत बड़े बड़े थे, मेरे बच्चे मुझे घबराते रहते थे, मम्मी आप अकेले जा रहे हो, वहाँ मीटिंग करने वहाँ बात करने, सत्संग जी प्लीज 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 सत्संग सुनिए प्लीज, तो वो डरते रहते थे, आप मम्मी कहाँ जा रहे हो, किनसे फाइट कर रहे हो, कुछ भी हो सकता है, वो लोग डरते रहते थे, मैं एक ही बात बोलती थी, मैं यहाँ जा रही हूँ, मैं बस गुरु जी को साथ लेके जा रही हूँ, मैं निकलने से पहले जब ऐसी जगह जाती थी जहाँ मुझे खुद ही डर लग रहा है, तो मैं कहती थी गुरु जी मेरे साथ चलो, आप संभाल लेना, बात मैं करूंगी, संभालना अपने सब कुछ, तो गुरु जी अपने आप संभाल लेते थे, मतलब वो ऐसी चीज हो गई है जो कि मेरे को नहीं लगता यहाँ पे पॉसिबल होगी, इम्पॉसिबल काम था जो कि पॉसिबल कर दिया, और इतनी इतनी इजी कर दिया मुझे पता ही नहीं चला, वो 6 साल की फाइट थी जिसमें मैं बिल्कुल थक चुकी थी, वो सिर्फ और सिर्फ एक टाइम ऐसे आया था, वो पेपर्स आके मैंने गुरुजी के पास रख दिए थे, गुरुजी ये काम करोगे तो आप ही करोगे, क्योंकि मैं तो कर नहीं सकती और कोई ऐसा है नहीं जो मुझे इसमें सपोर्ट कर सकता है, मैंने देख लिया दुनिया आजमा के कोई साथ नहीं देता, लेकिन गुरुजी ने इतनी इजीली इजी सब किया। तो ये ना गुरुजी की कहते ना ब्लेसिंग्स हैं जो मैंने अचीवमेंट्स आपको बताई है, शॉर्टकट में बताई है, इसकी वजह स्ट्रगल्स होता है, लेकिन गुरुजी भी हमारा टेस्ट लेते हैं, आप हमेशा अपना कर्म करते रहो, अच्छा अपने पे विश्वास करो, गुरुजी पे करो, और तो और मैं पिछले साल 2022 की बात है, मैं नोएडा में जा रही थी लेकिन मैं संगत से कनेक्ट नहीं थी, मुझे नहीं पता था यहाँ पे सत्संग कहाँ होते हैं, ठीक है, मुझे कुछ नहीं आ गया था, हमारे नए नेबर आए मेरे फ्लैट के साथ में, और दिवाली का चलता तो दिवाली गिफ्ट देने आए, दिवाली वाले दिन ही आए, तो उन्होंने देखा गुरुजी का स्वरूप, कह रहे आप गुरुजी संगत हो, मैंने कहा हाँ जी हम गुरुजी वाले हैं, कहते हैं अच्छा हम भी हैं, और तो मैंने बोला आंटी यहाँ सत्संग वगैरह होता है, तो कहते हैं हाँ होता है मैं आपको बताऊंगी, वो आंटी है सुषमा आंटी, वो मुझे पिछले साल 1 जनवरी को 2023 1 जनवरी को मैं यही कनेक्ट हुई, वो आंटी मुझे यही लेके आई, मैंने पहला सत्संग गुरुजी का यही अटेंड किया, और मुझे गुरुजी को जो मैं बोलती थी गुरुजी मेरे से बात करने वाला कोई नहीं है, मैं किससे बात करूं, मेरे को सवालों के जवाब दे दो, मुझे टेंशन दे दो, मुझे प्यार दे दो तो गुरुजी ने यहाँ मिलवा दिया, इतना प्यारा गुरुजी परिवार दिया, गुरुजी संगत दी, इतनी प्यारी प्यारी फैमिली दी, जहाँ मदर वाली वाइफ साथी है बड़ी सिस्टर, सारा परिवार मिलता है, तो गुरुजी ने ना वो भी सुन लिया, वो कह दिया ना जो तू ना फरदा साड़ी बाह असी रूल जाना सी, ये भी आज के इसमें ही था शब्द में, ठीक है, तो ये जी, तो ये हमारे सवालों के जवाब ना हमें यही मिले आज के सत्संग में,
तो ये सब चीजें नहीं, गुरु जी ना छोटी छोटी चीज भी समझ लेते हैं हमारी, क्या चाहिए बेटी को क्या है। जब बेटी बोल दिया खुद को आपकी बेटी है और गुरु जी ने मान लिया हाँ जी मेरी बेटी है, अब गुरु जी ने करना है जो भी करना है, गुरु जी ने मोचे करानी है, गुरु जी ने सब कुछ करवाना है, गुरु जी ने कोई तकलीफें भी देनी है क्योंकि बड़े दुखों का निवारण करना है। ये भी हम शब्द में सुनते हैं, कभी कभी छोटी तकलीफें आती हैं तो बड़े दुखों का निवारण करने आती हैं, तो छोटी छोटी तकलीफें भी आती हैं जो कि हमें बड़े कष्ट काटने के लिए आती हैं, तो हमेशा गुरु जी को कहते हैं ना मानते रहो, उनकी ब्लेसिंग्स हैं हमेशा है हमारे साथ, तो आप गुरु जी को हमेशा कहते ना विश्वास करो, अपने आप को सरेंडर करो, सवाल मत करो। हमारी सभी की लाइफ में ना पॉजिटिविटी भी है, हम कंप्लेन ज्यादा करते हैं ये हो गया मेरे को ये नहीं मिला वो नहीं मिला, अगर मैं ऐसे कंप्लेन करने में आऊंगा तो बहुत सारी चीज बन जाएगी, शुक्राना करना चाहिए, पॉजिटिविटी भी हमारी लाइफ में बहुत सारी है, हम उसको नहीं देखते हैं, तो हमेशा जो अच्छा हो रहा है उसके लिए शुक्राना करो, हर पल शुक्राना करो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, हर पल शुक्राना गुरु जी, जो दिया उसका शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना। तो यहाँ पे आंटी ने काफ़ी अच्छा सत्संग सुनाया, काफ़ी इमोशनल सत्संग था, और जब आप सत्संग करते हो तो सत्संग करने वाला का भी कल्याण होता है और जो सुनता है उसका भी कल्याण होता है। जब हम सत्संग सुनते हैं तो उन्हीं सत्संगों में हमारे सवालों के जवाब होते हैं। तो संगत जी, यहाँ पे जो आंटी ने सत्संग सुनाया था काफ़ी अच्छा सत्संग था, कि आई होप बहुत सारे संगत को इसमें से जवाब मिला होगा। तो अभी हम लोग भी जा रहे हैं, सत्संग हो चुका है, यहाँ पे मुझे ब्लेसिंग्स में जो कैलेंडर मिला है वो काफ़ी अच्छा है, और मुझे काफ़ी दिन से ये स्वरूप चाहिए था गुरु जी का और मुझे आज मिल चुका है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जो हम मांगते वही हमें गुरु जी देते हैं, तो गुरु जी को मांगो नहीं मानो, गुरुजी हमारी मन की बातें सुनते। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। पूनम आंटी के घर का सत्संग अभी हो चुका है ख़त्म। जय गुरुजी।